नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं जो मैच कवर करूँगा वो है ECS टेट एंड काइल का 8वां मुकाबला जो यहाँ पर खेला जाने वाला है टीम MTSV वर्सेस टीम FCT के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस मुकाबले में दोनों टीम के लिए ओपन कौन से प्लेयर्स करने आएंगे, कौन से प्लेयर्स दोनों की टीम के लिए डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराएंगे, कौन सा प्लेयर आपके लिए इस मैच में जैकपॉट हो सकता है, किस प्लेयर को आप लोग अपनी हेड टू हेड टीम में ट्राई कर सकते हैं और आप लोग किस प्लेयर को आप लोग अपनी GL की टीम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आपको वीडियो के अंदर दी जाने वाली हैं और अगर आप लोग इस मैच में कुछ जीतना चाहते हैं, कुछ बड़ा कमाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करेगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कमाल की इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के अंदर दी जाएगी। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी इस मैच की, इसके लाइनअप या टॉस के बाद, या जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, वो टीम अगर आप लोग चाहते हैं बिल्कुल फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड की जाए तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका जो लिंक है वो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे रखा होगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पे कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो वो मेरे चैनल का लिंक होगा जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा जिसको सर्च कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ सीखने को मिले वीडियो से तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल्स की वीडियोस को वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो घंटा है उसको ज़रूर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर ये काम कर लें। तो यहाँ पर मैं बात करूँ जो टीम रहने वाले हैं, ये दोनों ये टीम है ग्रुप ए की, और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ MTSV की, वो पहला मैच खेलने वाले हैं अपोनेंट के खिलाफ FCT के बीच में। अगर बात की जाए MTSV की तो वो करेंट सीजन में 4th पोजीशन पर है पॉइंट टेबल में, जबकि यहाँ पर मैं बात करूँ FCT की तो ये भी लास्ट पोजीशन पर है। यहाँ पर जो टीम MTSV है उसने यहाँ पर अपने दो मुकाबले खेले हैं जहाँ पर ये अपने दोनों मुकाबले हारे हैं, और जबकि यहाँ पर FCT ने भी अपने दोनों मुकाबले हारे हैं। तो देखा जाए तो दोनों टीम्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं और हो सकता है कि यहाँ पर जो विनर हो वो मेरे हिसाब से MTSV हो सकती है क्योंकि इनकी टीम जो है वो कुछ काफ़ी हद तक स्ट्रांग है FCT के मुकाबले। अगर बात की जाए वेदर रिपोर्ट की तो रेन के चांसेस नहीं है मैच के दौरान, तो आप लोग इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं बात करूँ विकेट की तो यहाँ की जो विकेट रहने वाली वो बैट्समैन बॉलर्स दोनों को फेवर में रहने वाली है, तो इसलिए आप जो भी टीम यहाँ पर बनाएं कोशिश करेगा आप लोग अपनी टीम में बैट्समैन बॉलर्स दोनों को मौका दें। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, मात्र 68 रनों का है। जो भी टीम चेस करती है उसके 60% चांसेस होते हैं यहाँ पर मैच वॉन करने के। अब मैं बात करता हूँ MTSV के प्लेइंग 11 की, तो उनकी ओर से आपको आदित्य गोपीनाथ, अजीगुल खलील, अरुण प्रकाश, दीपक प्रकाश, फैजान फारूक, हरीश, इमरान तारिक, सचिन तावड़े, समजीत चंद्रन, शार्दुल जोशी, श्रेयस दत्ता आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं इनके लास्ट मैच की तो ये अपना लास्ट मैच हार के आ रहे हैं 34 रनों से। इनकी टीम को 92 रन बनाने थे पर इनकी टीम 58 रन बना पाई मात्र 8 विकेट के नुकसान पर। इस मैच में दीपक प्रकाश और हरीश ओपन करने आए थे, दीपक प्रकाश ने 20 रन बनाए और हरीश यहाँ पे डक पर आउट हो गए। नंबर 3 पे फैजाक फारूक ने यहाँ पर 7 रन की पारी खेली। नंबर 4 पे श्रेयस दत्ता 1 रन बना के आउट हो गए। उसके अलावा चंद्रन ने यहाँ पे 6 रन बनाए, अजीगुल खलील यहाँ पर 1 रन बनाए, आदित्य गोपीनाथ यहाँ पर 1 रन की पारी खेली और सचिन तावड़े जो कि इनके कैप्टन है उन्होंने 8 रन बनाए। तो इनकी ओर से अगर देखा जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बैट्समैन होंगे वो यहाँ पे दीपक प्रकाश रहेंगे, उसके अलावा हरीश रहने वाले हैं, फैजान फारूक रहने वाले हैं, उसके अलावा यहाँ पे आदित्य गोपीनाथ रहने वाले हैं। ये जो 4 मेन बैट्समैन हैं वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनकी टीम के लिए रन बनाने वाले हैं। बॉलिंग की मैं बात करूं, शार्दुल जोशी ने यहाँ पर 2 ओवर में 31 रन देके 2 विकेट निकाले। अजीगुल खलील ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई, इनको विकेट तो नहीं मिला पर इकोनॉमी इनकी काफ़ी अच्छी रही, 2 ओवर में मात्र इन्होंने 15 रन दिए। समजीत चंद्रन ने यहाँ पर 2 ओवर में 16 रन देके 1 विकेट निकाला। आदित्य गोपीनाथ ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई, 2 ओवर में 13 रन देके 2 विकेट निकाले। और अरुण प्रकाश ने भी यहाँ पर 2 ओवर में 13 रन देके 2 विकेट निकाले। तो उनकी ओर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बॉलर्स रहने वाले हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं शार्दुल जोशी, आदित्य गोपीनाथ, अरुण प्रकाश और यहाँ पर चंद्रन और खलील में से किसी एक को आपको पिक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ज़्यादातर जो ऑप्शंस में चंद्रन को ही अपनी टीम में पिक करूँगा। अब मैं बात करता हूँ उनके अपोनेंट टीम FCT की, तो उनकी ओर से आप लोग देखिए, इनकी ओर से आपको अमरखेल नज़र आने वाले हैं, अब्दुल रहमान अमरखेल, महमूद अकबर, उसके अलावा हसील महमूद, इमरान खान हसन, सदम शरजात, मोहम्मद शारिफ सैफी, सलमान हैदर, शौकत अली, नसरुल्ला आलम अमला, ज़ाहिर शाह जखील और यहाँ पे जकरुल्ला जखील आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे।
इनकी जो टीम है वो भी अपना पिछला मुकाबला हार के आ रही है 39 रनों से। इस मुकाबले में इनकी टीम को 105 रन बनाने थे, इनकी टीम 66 रन बना पाई। इन्हीं की शुरुआत की थी यहाँ पे मोहम्मद अकबर जबर खेल ने, जो कि डक पर आउट हो गए। नंबर इनके साथ आए थे जाहिर शाह जाखिल, जिन्होंने 34 रन की पारी खेली। जैकुर्रा जखिल 5 रन बना के आउट हो गए। शौकत अली यहाँ पे डक पर आउट हो गए। इमरान खान हसन ने यहाँ पे मात्र 4 रन बनाए। नसरुल्ला अमला ने यहाँ पर 8 रन बनाए। मोहम्मद शारिफ सैफी जो कि इनके कैप्टन है वो 6 रन बना पाए। और यहाँ पे अब्दुल्ला रहमान अमरखेल भी यहाँ पर डक पर आउट हो गए। तो उनकी ओर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बैट्समैन है वो यहाँ पर अकबर जबर खेल रहने वाले हैं, जाहिर शाह जखील रहने वाले हैं, जकरुल्ला जाखिल रहने वाले हैं, यहाँ पे इमरान खान हसान रहने वाले हैं। तो ये 4 मेन बैट्समैन है जो इनकी टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही मेन बैट्समैन अपनी टीम के लिए रन भी बना सकते हैं। बॉलिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मोहम्मद शारिफ सैफी ने दौर में 17 रन दिए, विकेट इनको नहीं मिल पाए। सदम सरजाद ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई, दौर में 19 रन देके 3 विकेट निकाले। जाहिर शाह जखील ने यहाँ पर दौर में 11 रन दिए। जकरुल्ला जाखिल ने यहाँ पर दौर में 15 रन देके 1 विकेट निकाला। अब्दुल रहमान अमरखेल ने यहाँ पर 1 ओवर में 17 रन बनाए। और यहाँ पर सलमान हैदर ने 1 ओवर में 21 रन दिए। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बॉलर्स रहने वाले हैं वो यहाँ पर शारिफ सैफी रहने वाले हैं, सदम सरजाद रहने वाले हैं, जाहिर शाह जखील रहने वाले हैं, और यहाँ पर जकरुल्ला जखील रहने वाले हैं। तो ये चारों बॉलर्स इनकी ओर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अपना कंप्लीट स्पेल कराएंगे। अब मैं बात करता हूँ दोनों टीम्स के टॉप पिक्स की। तो पहला नाम निकल के यहाँ पे आदित्य गोपीनाथ का आने वाला है, जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है और राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं अपनी टीम के लिए। टूर्नामेंट में 12 रन 2 विकेट इनके नाम है। जहीर जखील की मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और अपनी टीम के लिए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग भी करा सकते हैं। टूर्नामेंट में 34 रन 2 विकेट इनके नाम भी है। जखी जखील की मैं बात करूँ राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं। टूर्नामेंट में 36 रन 1 विकेट इनके नाम है। शदम सरजाद की मैं बात करूं राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराया था और टूर्नामेंट में 3 विकेट निकाल चुका है मात्र ये 2 मैचेस में। बात की जाए आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रहेगा, तो आप लोग कैप्टन जहीर जखील और यहाँ पे जखी जखील को बना सकते हैं। वाइस कैप्टन आप लोग यहाँ पे आदित्य गोपीनाथ और यहाँ पे शदम सरजाद को दे सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस मेरी यही रहने वाली है, जहीर जाखिल आपके लिए सबसे सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं स्मॉल लीग में कैप्टन के लिए। शरीफ सैफी और यहाँ पे अजीगुल खलील को आप लोग जेल में ट्राई कर सकते हैं। पंट के तौर पर जो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा वो यहाँ पर 1 विकेटकीपर 3 बैट्समैन 4 ऑलराउंडर्स 3 बॉलर्स का रहेगा। अगर मैं बात करूँ विनर्स की तो इस मुकाबले में MTSV ये मुकाबला जीत सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको वीडियो के अंदर मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी होगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल्स की वीडियोस को वॉच कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में जो घंटा उसको जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर ये काम कर लीजिएगा। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाएगी, जहां पर करेंटली 4000 से ज़्यादा मेंबर्स जुड़ चुके हैं। और आप लोग भी मेरी 100% विनिंग टीम चाहते हैं और आप लोग भी बिल्कुल फ्री में अर्न करना चाहते हैं, कुछ जीतना चाहते हैं, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पर कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो, वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों मैं चलता हूँ ड्रीम इलेवन की ओर, जहाँ पर आपको कमाल की हेड टू हेड टीम और जीएल टीम प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 2 टीम्स प्रोवाइड कराऊंगा, पहली मेरी हेड टू हेड टीम होगी और दूसरी मेरी यहाँ पर जीएल टीम होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन की। तो आपको यहाँ पर 2 से 3 पिक नजर आ रही होंगी। पहली पिक यहाँ पर है डी प्रकाश की, दूसरी पिक यहाँ पर है जबरखेल की, और तीसरी पिक यहाँ पर एस अली की, और चौथी पिक यहाँ पर है स्तावड़े की। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपके लिए जो 2 बेस्ट पिक रहेंगी वो यहाँ पर रहने वाली है डी प्रकाश और उसके अलावा यहाँ पर जबरखेल की। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो प्लेयर्स हैं वो आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। डी प्रकाश की मैं बात करूँ 2 मैचेस इन्होंने खेले हैं। पहले मैच में ये फ्लॉप हो गए थे, रन आउट हो गए थे बिना एक गेंद खेले, और दूसरे मैच में इन्होंने 20 रन के आसपास रन बनाए थे। जबरखेल की मैं बात करूं पहला मैच इनका बेकार गया था और दूसरा मैच भी इनका बेकार गया, लेकिन ये अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग करते हैं, जबकि जो डी प्रकाश हैं वो अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो जबरखेल हैं वो आपको बैटिंग और विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकते हैं, जबकि डी प्रकाश का कन्फर्म नहीं है कि आज ये ओपन करने आएंगे, क्योंकि 2 मैचेस से ये फ्लॉप हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज ओपन करने आएंगे। लेकिन जो MTSV की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर यहाँ पर जबरखेल की टीम पहले बॉलिंग करती है तो जबरखेल यहाँ पर आउट होने के इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं। तो इसीलिए अगर यहाँ पर MTSV की टीम पहले बैटिंग करेगी तो यहाँ पर मैं डी प्रकाश को अपनी टीम में ट्राई करूँगा, क्योंकि हो सकता है ये काफ़ी अच्छा रन बना दे इनकी टीम के अगेंस्ट। और लेकिन अगर इनकी
टीम पहले बॉलिंग करती है तो यहाँ पर मैं जबर खेल के साथ जाना चाहूंगा। बैटिंग सेक्शन में आपको यहाँ पर आई हसन देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी कमाल का हार्ड हिटर प्लेयर है, इसको बहुत ही ज़्यादा नीचे भेजा जा रहा है और हो सकता है कि आज इनकी टीम जो है वो इनको थोड़ा टॉप ऑर्डर पर भेज दे बैटिंग करने के लिए और ये भी कुछ अच्छा परफॉर्म करें, तो इसलिए मैं इनको पिक करने वाला हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैं फैज़ान फारूक को पिक करूँगा जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं लेकिन दो मैचों से लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं, पर हो सकता है कि आज के मुकाबले में ये कुछ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें तो इसलिए यहाँ पर मैं इनको पिक करूँगा। बाकी जो मेरी तीसरी पिक होगी वो यहाँ पर हरीश की यहाँ पर रहने वाली है, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेता है और हार्ड हिटिंग भी कर लेता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर इस दत्ता की पिक मिलेगी, अगर आप इनको अपनी टीम में ट्राई करना चाहें कर सकते हैं डिफरेंशियल पिक के तौर पर, लेकिन यहाँ पर मैंने जो तीन मेन बैट्समैन थे मैंने उनको अपनी टीम में सेलेक्ट कर लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन की मैं बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर सैफी को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, अपनी टीम के लिए कैप्टन है, जो पहला मुकाबला हुआ था वहाँ पर थोड़ा पहले ही बैटिंग करने आ गए थे लेकिन दूसरे मुकाबले में इनको फिर बैटिंग के लिए नीचे भेजा गया, लेकिन दोनों मुकाबलों में इन्होंने कंप्लीट दो दो ओवर का स्पेल करवाया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर, आप लोग उसको ड्रॉप मत करिएगा क्योंकि हो सकता है कि इस मैच में ये विकेट्स निकाल ले। उसके अलावा यहाँ पर हम जखील को अपनी टीम में ट्राई करेंगे जो कि आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे और दो ओवर की बॉलिंग कराते हुए नजर आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम जेड जखील को भी अपनी टीम में ट्राई करने वाले हैं और जो मेरा यहाँ पर चौथा ऑलराउंडर होगा वो यहाँ पर गोपीनाथ यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अब बात की जाए, गोपीनाथ को हमने ले लिया पर एक यहाँ पर प्लेयर निकल के आता है अरुण प्रकाश, तो इन्होंने भी कल क्या किया था कि दो विकेट इन्होंने भी निकाले थे, तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं थोड़ा सेफ जाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर अरुण प्रकाश को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एस चंद्रन की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है तो आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर सदम शहजाद की पिक निकल के आ जाएगी, मैं इनको ट्राई करूंगा। उसके अलावा यहाँ पर अमरखेल की पिक यहाँ पर मैं इनको ट्राई करूंगा, लेकिन इनके साथ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन में बता दूं क्या होता है, अमरखेल का एक ओवर जो है वो काटा भी जा सकता है। पहले मैच में इन्होंने कंप्लीट दो ओवर का स्पेल कराया था लेकिन दूसरे मैच में इन्होंने एक ही ओवर का स्पेल कराया था और इनका जो दूसरा स्पेल था वो यहाँ पर हैदर ने अपने साथ शेयर किया था, लेकिन अगर इस मैच में हैदर नहीं खेलते हैं तो ये कंप्लीट दो ओवर का स्पेल कराएंगे। बाकी अगर हैदर यहाँ पर खेलते हैं तो मैं इनको अपनी टीम में ट्राई नहीं करूंगा, मैं अपनी टीम में खलील को पिक करूंगा और यहाँ से मैं साहिल जोशी को ले लूंगा जो कि कंप्लीट अपने दो दो ओवर्स के स्पेल कराएंगे। तो दोस्तों मैंने जो टीम है वो क्रिएट कर ली है, मैं जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो टीम MTSV है उसके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, तो इसीलिए मैंने ज़्यादातर प्लेयर्स इन्हीं के टीम से पिक किए हैं और ओनली मैंने चार प्लेयर FCT के लिए हैं। कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो मैंने 1 विकेट कीपर 3 बैट्समैन 4 ऑलराउंडर्स 3 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। अगर बात की जाए अपनी इस टीम में मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाऊंगा, जो कैप्टन है वो यहाँ पर जाहिद जखील रहने वाले हैं और यहाँ पर जो वाइस कैप्टन है वो यहाँ पर गोपीनाथ रहेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पर जेड जखील को भी बना सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग हमेशा अपोजिट टीम्स के बनाइए ताकि आपको दोनों टीम से अच्छे खासे पॉइंट कलेक्ट करते हुए मिलते रहें। बाकी आप लोग यहाँ पर सदम शहजाद को भी अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो मैं अपनी इस हेड टू हेड टीम को सेव कर देता हूं, आप लोग हमारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका प्रीव्यू ले लीजिए और जहां पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहां पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरी हेड टू हेड टीम रहने वाली है जो कि बिल्कुल सेफ टीम है आपके लिए। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर GL टीम की, तो GL टीम में यहाँ पर जो मैं टीम जो है वो थोड़ी सी अपोजिट करूंगा, यहाँ पर मैं जो टीम है FCT इसको स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं डी प्रकाश को ड्रॉप करके अपनी टीम में जबर खेल को ट्राई करूंगा। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर मैं अपनी टीम से अरुण प्रकाश को ड्रॉप करके साफी को पिक करूंगा और बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर मैं अपनी टीम में यहाँ पर देखा जाए तो एक खलील को ड्रॉप करके यहाँ पर मैं अमरखेल को अपनी टीम में ट्राई कर लूँगा और कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैं यहाँ पर इन्हीं के टीम के बनाने वाला हूँ। तो जो ये टीम रहेगी वो बिल्कुल फेवर करेगी टीम FCT को और ये मेरी बिल्कुल GL की टीम रहने वाली है और अगर आप लोग इस टीम के साथ जाते हैं तो आपका GL में काफ़ी अच्छा रैंक आएगा अगर इनकी टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि इस टीम से तो आपकी एक अच्छी रैंक आएगी या फिर आपकी एक बेकार रैंक आएगी, क्योंकि जो ये टीम है वो एक तरफा मैंने बनाई हुई है, सिर्फ एक टीम को मैंने स्पॉट करके उनके सारे मेन प्लेयर्स को मैंने अपनी टीम में जगह दी है और उन्हीं के टीम से मैंने उनके प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाया हुआ है। बाकी जो मेरी सेफ टीम है जिस टीम के साथ आप लोग हेड टू हेड और स्मॉलिंग में यूज़ कर सकते हैं वो टीम मेरी ये रहने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अभी तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार आप लोग मेरे वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो घंटा है उसको ज़रूर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर ये काम कर लेना। बाकी मेरी इस टीम में कोई भी चेंजेस होगी तो लाइनअप या टॉस के बाद मैं आपको बता दूंगा कि जो भी मैं चेंज करूँगा
वो मैं अपडेट में क्या करने वाला हूँ। तो अगर आप चेंजेस जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर 4900 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, इसका जो लिंक है वो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे रखा है। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पे कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो, वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे, कमेंट में ही आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च करके आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो भाइयों, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जितने भी मैचेस हैं, जहां भी आप इन्वेस्ट करें, ऑलवेज विन करें, हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।